हेलो नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुशाहिद खान और आज मैं आपको हेल्प से हट के एक न्यूज़ दिखाने वाला हूं। ये न्यूज़ आप ज़रूर देखेगा और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिएगा। गाज़ियाबाद पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो अश्लील वीडियो रिकॉर्डिंग कर अश्लील वीडियो रिकॉर्डिंग कर लोगों से ठगी करता था और तकरीबन अब तक 20 करोड़ रुपये से ज़्यादा की ठगी कर चुका है। मामला गाज़ियाबाद का है। 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं जिसमें से 4 महिला हैं और एक पुरुष है। पुरुष और उसकी वाइफ दोनों ये धंधा करते थे। उन्होंने एक वेबसाइट बनाई, पोर्न वेबसाइट इसे बोल सकते हैं, और उसके बाद में लड़कियों से वीडियो चैट कराते थे और वो लड़कियां फिर अपना प्राइवेट नंबर देके लड़कों से वीडियो चैट करती थी और वीडियो चैट करने के बाद में वो उनकी न्यूड फ़ोटो या न्यूड वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके उन लोगों को ब्लैकमेल करती थी। क्योंकि ये जो मामला है बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, बहुत लोगों की शिकायत भी आ रही है, इसलिए मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि अनजान नंबर से अगर आपके पास वीडियो कॉल आए, अनजान नंबर से आपके पास में मैसेंजर पर बात करने की कोशिश की जाए तो आप बिल्कुल ना कीजिएगा। क्योंकि ये एक गिरोह है, इस गिरोह में महिला भी हैं पुरुष भी हैं। वो पहले अपने हनी ट्रैप में बोल सकते हैं, एक हनी ट्रैप में फंसाते हैं लड़कों को, जो बुज़ुर्ग हैं उनको और जो लोग सरकारी संपत्ति वो सरकारी नौकरी पे हैं उन ऐसे लोगों को वो फंसाते हैं। उनके साथ में फिर पैसों की डिमांड की जाती है। शुरुआत 5,000-2,000 से होती है, वो बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे 50,000-1,00,000 तक हो जाती है। अभी गाज़ियाबाद पुलिस ने जो खुलासा किया है इसमें एक शख्स से 80,00,000 रुपये तक की रंगदारी मांगी गई, 80,00,000 रुपये उससे ठगे गए हैं। और अमूमन मैंने देखा है जो युवा हैं, जो यंग जनरेशन है, टीन एज के लड़के हैं, वो इस झांसे में फंस जाते हैं। वीडियो कॉल शुरू होती है, न्यूड कॉल शुरू होती है और उसके बाद में सिलसिला शुरू हो जाता है। अगर आपके साथ ऐसा हो जाता है तो बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, क्योंकि आपकी इसी घबराहट का वो लोग फ़ायदा उठाते हैं। और अक्सर ऐसे लोगों को वो टारगेट करते हैं जो लोग घर से बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल टारगेट करते हैं। तो आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, अगर आपके साथ में ऐसा काम हो जाता है सबसे पहले उस नंबर को या उस आईडी को ब्लॉक कीजिएगा, साइबर सेल में कंप्लेंट कीजिएगा और उसके बाद में उस पूरी घटना को अपने घर में एक बार ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। शर्माने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक हनी ट्रैप है, ये फंसाया जा रहा है लोगों को और पैसे तो बिल्कुल नहीं देने हैं। इसमें अश्लीलता अगर दिखाते हैं, मतलब इंडिसेंट डिस्प्ले वो है, और 384 406 अमानत में खाना, 420 120 भी कॉन्स्पिरेसी और 67A ऑफ IT एक्ट। देखिए, राजकोट गुजरात पुलिस के द्वारा हमको ये सूचना मिली कि उनके तुषार नामक एक व्यक्ति से कुछ लोगों ने उनको सेक्सटॉर्शन करके लगभग 80,00,000 रुपए की ठगी करी है। सूचना मिलने के बाद हम लोगों ने अपनी टीमें बना दी जिसमें साइबर सेल और नंदग्राम थाने की फोर्स थी। इसी सूचना के फलस्वरूप हम लोगों ने एक सेक्स रैकेट पकड़ा है जो कि लोगों से स्ट्रिप चैट नामक एक वेबसाइट पे जो रजिस्टर करते थे उनसे पहले स्ट्रिप चैट पे बात करते थे, इसके एवज़ में उन्हें स्ट्रिप चैट से कुछ पैसे मिला करते थे। उसके बाद जब इनको लगता था कि ये मुनाफा ये बढ़ा लें तो जो लड़कियां इनके यहाँ काम करती थी वो लोग अपना पर्सनल व्हाट्सएप का नंबर शेयर कर दिया करती थी इनको, और उसके बाद व्हाट्सएप पे चैट करने के बहाने उनको उनकी न्यूड वीडियो बना लिया करती थी और उसके बाद उनको सेक्सटॉर्शन करके उनसे पैसे की उगाही करा करती थी। ये कृत योगेश गौतम नामक व्यक्ति एवं उनकी वाइफ सपना गौतम, ये गैंग की सरगना थी, इनके साथ 3 लड़कियां और गिरफ्तार हुई हैं। ये लोग 2 साल से काम कर रहे थे। इन लोगों ने कई सौ लोगों को इसका शिकार बनाया है और मौके से इनके पास से 8 बैंक अकाउंट हमको मिले हैं जिसमें कि 4 बैंक अकाउंट की सूचना हमारे पास आ गई है। बाकी 4 अकाउंट की जो सूचना हमको आई है उसमें लगभग 3,80,00,000 रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था। सभी अकाउंट पुलिस ने फ्रीज करा दिए हैं और बाकी अकाउंट्स की डिटेल हम जल्दी पता करके आगे कार्रवाई करेंगे। गाज़ियाबाद पुलिस ने भी बहुत सराहनीय काम किया है, 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आप अवेयर रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए जिससे ताकि और लोग इस जाल में ना फंस सके। आपको घबराना नहीं है, कंप्लेंट करनी है, आप हिम्मत से काम लें, इस पूरी घटना को अपनी फैमिली में डिस्कस जरूर करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा इज्जत जो है वो घर, ये लगता है आदमी को कि मेरी घर में इज्जत ख़राब हो जाएगी, मेरे बच्चे क्या कहेंगे। तो अब घबराना नहीं आपको और पैसे कतई नहीं देने हैं, कंप्लेंट करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।